दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बेसन की पापड़ी। होली का त्योहार आ रहा है, हर घर में पकवान तरह तरह के बन रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी कुछ नया बनाऊँ, बेसन की पापड़ी। और त्योहारों पे मेहमानों का आना जाना, फ्रेंड्स का लगा ही रहता है, तो हम गुजिया, खस्ता, पापड़ी सब कुछ बनाते हैं। पापड़ी आप टी टाइम भी खा सकते हैं, अगर छोटी मोटी भूख लगी है तब भी ले सकते हैं। बेसन की पापड़ी सभी लोगों को पसंद आती है। चलिए तो देखते हैं, सामग्री में हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, हल्दी, हींग, अजवाइन, 1 चम्मच नमक, हरी धनिया, 4 हरी मिर्च और रिफाइंड। मैंने लाल मिर्च नहीं ली, हरी, इन दोनों को, हरी धनिया और हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लेंगे। बेसन को मैंने थाली में डाल दिया है, हल्दी डाल देते हैं, हींग भी डाल दी है, नमक भी डाल देते हैं और अजवाइन को इस तरह करके अजवाइन डाल देते हैं। अब हम इसका हल्का दरदरा पीस लेते हैं मिक्सी में। हमने हरी धनिया, हरी मिर्च को पीस लिया है, अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। बेसन की पपड़ी बनाते टाइम थोड़ा सा, 1 चम्मच, थोड़ा सा खस्ता बने इस वजह से 1 चम्मच तेल डाल दिया है, थोड़ा और डाल दीजिए बस। हरी मिर्च और हरी धनिया को पीसने से अच्छा टेस्ट भी आता है पीस के डालने से, और दिखने में भी काफी अच्छी लगती है। हम इन सबको मिक्स कर देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाते हैं, इसको गूंद लेते हैं। पानी हमें थोड़ा ही थोड़ा डाल के ही लगाना है आटा। क्योंकि बेसन चिपकता है, आटा लग गया है बेसन का। अब हम इसके लिए 15-20 मिनट के लिए रख दें, जिससे कि पपड़ी किनारों से टूटे ना और किनारों से अच्छी गोल शेप आए। 15-20 मिनट, जितने मिनट भी रखना है, इसको ढक के रख देते हैं। को बेल लिया है और हमारी पापड़ी बन गई है। अब हम गैस ऑन करते हैं, तलने के लिए कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। अब हम तेल चेक कर लेते हैं, तेल हो गया है गरम। एक एक करके डालते हैं सारे पापड़ियों को, पलट देते हैं। तेज आंच पर नहीं सेकना है, तेज आंच पे ये जल्दी सिक जाएंगी और जल जाएंगी। हमें इनको मीडियम से भी कम रखना है। मैंने इसे निकाल लेते हैं, और मैंने एक प्लेट पर टिश्यू बिछा के इसका तेल अच्छे से ये निचोड़ जाए। बेसन की पापड़ी तो सभी बनाते हैं, पर आज मैंने देसी तरीके से बनाया है। गांव में आज भी मसालों को पीसते हैं, सूखा मसाला नहीं डालते। वो सिलबट्टे पे लाल मिर्च या खड़ा धनिया, हरी धनिया, हरी मिर्च पीस के ही डालते हैं, और इसका सच में इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट रहता है। मैंने कई बार बनाई है, पर होली आ रही है तो मैंने सोचा बच्चों के लिए, गेस्ट के लिए कुछ अच्छा बना लूं। अगर तेल ज़्यादा ठंडा हो गया हो तो फिर आप थोड़ा सा तेज करके कर लीजिए और तुरंत ही स्लो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। हमारी सारी बेसन की पापड़ी बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। मेरी माँ हमेशा
इसी तरह की विधि से ही बनाती हैं और बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आप भी ट्राई कीजिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।